हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड वी आर रीडिंग द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का है, सेकंड चैप्टर है। कल हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि मैटर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में हमने पढ़ा था एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट एंटिटी है इसकी वो एटम होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। ठीक है, कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं लेकिन फिक्स्ड रेशो होता है उनका। ठीक है, जैसे H2O का एग्जांपल लिया था कि कहीं भी चले जाओ H2O का जो कंपाउंड है उसमें यही रहेगा कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है इनका रेशो और कंपाउंड बनाते हैं। स्मॉलेस्ट एंटिटीज की क्या होती है, मॉलिक्यूल की। इसमें सबसे छोटी चीज़ को हम एटम बोलते हैं, तो इसमें सबसे छोटी चीज़ क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इनको हम सिंपल केमिकल प्रोसेस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, जो इनके एलिमेंट हैं। ठीक है, और क्या है कि इनकी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते। जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर में आपको पता है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है वो इनफ्लामेबल है, मतलब कम्बस्टेबल है, इसको हम जला सकते हैं। ऑक्सीजन है वो हेल्प इन बर्निंग। ठीक है, लेकिन पानी है वो हेल्प इन ना, तो वो कम्बस्टेबल है, उन्हें जला नहीं सकते, ना ही ये बर्निंग में हेल्प करता है ना, तो ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। फिर दूसरा एक जो हमने प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर देखते हैं आज हम, इम्प्योर टाइप में क्या है, इम्प्योर क्या है। देखिए, प्योर और इम्प्योर था, इम्प्योर में आता है प्योर। इम्प्योर में पहले तो इसकी डेफिनेशन, प्योर में हमने पढ़ा था कि एक ही टाइप के एलिमेंट है, तो इसमें ऑफ कोर्स यही होगा कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट होंगे। वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, और उनका फिक्स रेशो भी नहीं होगा कि उसको कंबाइन कर रहे हैं, वो फिक्स रेशो नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, सबसे आता है पहले सब मिक्सचर। इम्प्योर में क्या आता है, मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड विद ईच अदर इन एनी रेशो, मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती हैं लेकिन उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। मतलब जैसे हमने नमक मिलाया पानी में, ठीक है, तो वहाँ कोई फिक्स नहीं है कि अगर हमें साल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो एक गिलास में हमें इतना नमक डालना है। हमें जितना अच्छा लगता है हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लेते हैं ना, तो फिक्स रेशो नहीं होता है। एग्जांपल इसके यही है, टी, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सोयल। देखो, मिट्टी में भी कुछ भी फिक्स नहीं है, एयर में मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर क्यों है, क्योंकि फिक्स रेशो नहीं है, कभी किसी गैस का अमाउंट बढ़ जाता है, कभी लो हो सकता है। ठीक है, और हमने प्योर सब्सटेंस में जो कंपाउंड पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल प्रोसेस से, है ना। लेकिन इसमें कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब जैसे हमें नमक को पानी से अलग करना है तो सिंपल सी प्रोसेस, इवेपोरेशन को हम यूज़ करेंगे। उस पानी को गर्म करेंगे, पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो नमक हमने डिजोल्व किया था उसमें वो रह जाता है। और एक बात और देखिए, जो प्योर सब्सटेंस में हमने कंपाउंड पढ़ा है, कंपाउंड में जो हम ऐड करते हैं उसमें भी हमने पढ़ा है दो या से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से केमिकली कनेक्टेड होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, ये एक दूसरे से केमिकली कनेक्शन नहीं बनता इनका, सिर्फ ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं या डिजोल्व होते हैं। ठीक है, जैसे हमने साल्ट या पानी को मिलाया है या कुछ टी बना रहे हैं हम, तो वो केमिकली कम्बिनेशन नहीं होता उनका, कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लिया हमने। और ये क्या है, मिक्सचर है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ दियर पेरेंट, अपने प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हमने टी का ही लगा लो, टी में हमने जो जो चीज़ें डाली हैं उन सबका टेस्ट आएगा ना, तो पता चलता है इसमें ये साल्ट सॉल्यूशन है, उसमें पानी का नमक का टेस्ट आता है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट एलिमेंट हैं, वो शो करते हैं प्रॉपर्टीज़। ये भी आगे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें सिंगल फेस शो होता है, जैसे सिंगल फेस ही होता है। जैसे हमने जब नमक घोला पानी में तो जो नमक है वो दिखाई नहीं देगा घुलने के बाद, सिर्फ पानी दिखाई देता है। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंट होता है, तो इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करी हैं किसी भी चीज़ में
वो दिखाई देती हैं। जैसे अगर हमने मिट्टी घोली पानी में तो वो मिट्टी दिखाई देगी, उसमें डिजोल्व नहीं होगी, जैसे नमक होता है मिट्टी अलग से शो होती रहती है ना। तो ये किसका टाइप है? हेट्रोजीनियस का। आगे और अब डिवाइड अगर इनको करते हैं तो होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन आते हैं, हेट्रोजीनियस में कोलोइड एंड सस्पेंशन आते हैं, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो आस्क मी।